रायपुर जहां पर लोक स्वराज अभियान का समापन हो रहा है। और इस यात्रा में सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण अभियान लोक स्वराज अभियान होता है। सरकार बनने के बाद 2003 से सरकार के सामने जो चुनौती थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला था हमें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो परिस्थितियां गांव में थी, किसानों की जो स्थिति थी, उद्योग और आदिवासियों की स्थिति थी, उसके बारे में कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं। पर एक चुनौती थी 2003 से कि कैसे जीवन स्तर में परिवर्तन लाया जाए, योजनाओं में पारदर्शिता कैसे लाया जाए और उसका रिजल्ट जो जनता के बीच जाकर हम देखें। और मुझे ऐसा लगता है कि गांव में जाकर स्वयं जनता के बीच खड़े होकर उनसे योजनाओं के बारे में बात कर, ग्राउंड रिपोर्टिंग का असर सीधा होता है। तो लोक स्वराज अभियान की शुरुआत 2005 में ग्राम स्वराज के माध्यम से किया गया और फिर 2012 में नगर स्वराज शहर को भी जोड़ दिया जाए और 2015 में नए स्वरूप में लोक स्वराज अभियान की शुरुआत हुई। लोक स्वराज का मतलब ही है कि गांव में सभी क्षेत्रों में जाकर जनता के बीच बैठकर अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में उनसे चर्चा करें और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लें। वहीं से बहुत सारी योजनाओं का जन्म भी हुआ, लोगों के सुझाव आए और सुझाव का असर हुआ कि लोक स्वराज अभियान से ही सरस्वती साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, चिराई योजना, बाल श्रवण योजना, मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना, मनरेगा में टिफिन वितरण जैसी योजनाओं को शुरुआत हुई और इसका सीधा असर जनता के बीच किस किस विषय पे इसका सीधा असर हुआ, ये कुछ उदाहरण के तौर में बताऊंगा कि गांव में जाता था, स्कूलों में बैठ के बात करता था, बेटियों की उपस्थिति स्कूलों में कम रहता था, ज्यादातर प्राइमरी और मिडिल के बाद बेटियां स्कूल छोड़ देती थी और उस समय लगा कि बेटियों को स्कूल में ज्यादा प्रेरित करने के लिए क्या किया जाए। तो उसके दो उपाय थे, ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोल दें, ज्यादा से ज्यादा उनकी सुविधा दें और उसका असर जो हुआ, एक तो सबसे महत्वपूर्ण योजना जो आज 4,63,000 सरस्वती साइकिल योजना का लाभ बेटियों को मिल रहा है। प्राइमरी स्कूल जो 13,000 था बढ़ के 37,000 हो गया आज, मिडिल स्कूल 5,600 से बढ़ के 16,000, हाई स्कूल 9,000 से बढ़ के 2,000 और हायर सेकेंडरी स्कूल 680 से बढ़ के 3,000। इस प्रकार ये एक बड़ा परिवर्तन बेटियों की शिक्षा में आया और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मिडिल से जो बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी, 60-70% बच्चियां ही आगे बढ़ पाती थी, 30%, आज उनका प्रतिशत 100 से ऊपर हो गया है। और ग्रामीण शालाओं में आप जाते हैं तो 50 यदि बच्चे हैं तो 70 लड़कियां स्कूल में मिलती हैं, इसका मतलब उनके प्रतिशत में वृद्धि भी हुई है, स्कूल जाना भी प्रारंभ किया है। और सरस्वती साइकिल योजना का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वहाँ मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था भी होती है। दूसरे मामला कुपोषण का था, छत्तीसगढ़ के बच्चे और खासतौर से वो तीन आंकड़े IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, ये तीनों विषय को लेकर लोक स्वराज में जो बातचीत और चर्चा होती थी, उस समय लगा कि सबसे हमारा जो प्रमुख सिस्टम है PDS, उसको कैसे मजबूत किया जाए। PDS का हाल बेहाल था, 30-40% लीकेज, प्राइवेट हाट में दुकानें थी, समय में दुकान ना खोलना। और वहीं से सबक सीखा कि जब ग्रामीण जनता 50% संतुष्ट नहीं है तो इस सिस्टम को कैसे बेहतर करें। फिर उस पर हमने रिफॉर्म किए, हमने फिर उसको प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट लोग थे उसको हटा के प्रॉपर्टी सेक्टर में दिया, सुविधाएं दी, नए शॉप्स बनाए और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 55 लाख से ज़्यादा परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। और ये निश्चित रूप से जो चना का वितरण हुआ, नमक का वितरण हुआ, चावल का वितरण हुआ, उनके साथ आंगनबाड़ी और छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी से आगे बढ़ के 0-3 के लिए फुलवाड़ी,
विदेश का एक मॉडल था कुपोषण से लड़ने के लिए उस उम्र के बच्चों को देने के लिए, और इसकी शुरुआत हमने फुलवाड़ी के माध्यम से की। आज शिशु मृत्यु दर जो 2003 में 1,070 हुआ करता था, अब 39 हुआ है। जो गिरावट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मातृ मृत्यु दर 379 प्रति लाख था, वो बढ़ के 221 हुआ। और कुपोषण देखिए 52 से 30%, एक बड़ा परिवर्तन है। यदि आप बच्चों को पोषण आहार देंगे, माताओं को पोषण आहार देंगे, और कुपोषण की लड़ाई में सरकार की योजना की मॉनिटरिंग होगी, तो उसका असर जो दिख रहा है वो एक सकारात्मक असर दिखा। वन क्षेत्र में रहने वाले वनवासियों को जो तेंदुपत्ता संग्रह करते हैं उनके जीवन में परिवर्तन, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, स्कॉलरशिप, उनके लिए पेंशन, उनके लिए बीमा की योजना की शुरुआत की, उनके स्कूल में बच्चों पढ़ने वालों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, और उसके साथ ही साथ जो तेंदुपत्ता का दर 400 रुपये प्रति मानक हो रहा था, पिछले साल 1,800 रुपया 2,500 रुपया हो गया। बोनस भी हर साल हम तेंदुपत्ता संग्राहकों को देते हैं। 13,75,000 संग्राहक, इनके जीवन में परिवर्तन आया, दर में परिवर्तन आया। अब ये निश्चित रूप से उस क्षेत्र में हमने ये सीखने को मिला कि कैसे हम उनके जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो लोक स्वराज में जब हम घूमे तो मजरे डोलों में विद्युतीकरण की कमी, कनेक्टिविटी, जाति प्रमाण पत्र में गड़बड़ियां, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, महाविद्यालय, स्कूल की व्यवस्था, तो 2003 की अपेक्षा 18 में मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा मांग इस दौरान आया। वो प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल में तो सेचुरेशन हो गया, हायर सेकेंडरी भी खोल दिया, और अब हमने नए क्षेत्र में प्रवेश किया। कृषि महाविद्यालय 4 से बढ़ के 31 हुए, ITI 67 से बढ़ के 176 हुए, और शासकीय कॉलेज 116 से बढ़ के 216। तो इस प्रकार महाविद्यालय और टेक्निकल एजुकेशन पे जोर दिया। 30 नए इस बजट में कॉलेज खोलने का काम हुआ। एक प्रकार से छत्तीसगढ़ की जो बड़ी चुनौती थी, उस चुनौती में सौभाग्य योजना, जिसमें प्रधानमंत्री जी की विद्युतीकरण योजना का लाभ लेते हुए छत्तीसगढ़ को 100% विद्युतीकरण काम, यानी कोई ऐसा घर नहीं बचेगा। करीब 5,40,000 घरों में आज बिजली नहीं था। उन 5,60,000 घरों में आने वाले 4 महीने के अंदर बिजली पहुंचा के देना है, BPL को निःशुल्क देना है, और ये अभियान में हम सफलतापूर्वक कह रहे हैं। और जून जुलाई आते आते 100% हमारे हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। 2003 और 2008 और 2018 में परिवर्तन यह हुआ कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में 100% विद्युतीकरण। कोई गांव का व्यक्ति ऐसा हाथ नहीं उठाता कि तुम्हारे घर में बिजली है, मैं जब पूछता हूँ तो 2-4 हाथ उठते हैं जिसका भी काम कर, यानी 100% विद्युतीकरण, 100% शौचालय का निर्माण उन घरों में हो गया है। करीब 55 लाख लोग मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में स्मार्ट कार्ड, यानी करीब करीब पूरी आबादी छत्तीसगढ़ की जो कवर हो रही है उनको स्मार्ट कार्ड 50,000 का, सबके पास करीब 55 लाख लोगों के पास राशन कार्ड की व्यवस्था। ये परिवर्तन इन वर्षों में दिखा। जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए इन योजनाओं का हमने शुरुआत की। अब मोबाइल कनेक्टिविटी दूर करने के लिए भी बस्तर नेट 600 किलोमीटर लाइन बिछाने का काम, भारत नेट में भी काम चल रहा है 3,000 किलोमीटर नेट, और स्काई के माध्यम से हम आखिरी घरों तक मोबाइल कनेक्टिविटी भी देने की दिशा में काम कर रहे हैं। सोलर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को एक नई राहत देने का काम हुआ है। करीब 50,000 घरों में सोलर पंप के माध्यम से उनको 10,000-15,000 की लागत में पंप का वितरण कर रहे हैं। लोक स्वराज अभियान 2018 पहला चरण, जैसे आपने देखा, 12-13-14 जनवरी को, इसमें हमने सभी राज्य के पंचायतों में, नगरीय निकाय में, विकासखंड मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में आवेदन आमंत्रित किए। ऑनलाइन आवेदन भी लिया गया, 30 लाख से ज़्यादा आवेदन आए। दूसरे चरण में 15 जनवरी से 10 मार्च तक आवेदन का निराकरण की प्रक्रिया शुरू की,
और अब तीसरे चरण में जो हमने शुरू किया था 11 मार्च से 31 मार्च समाधान शिविरों के माध्यम से उनके बीच जाकर ग्रामीणों के बीच नोडल अफसर एक एक एप्लीकेशन का आवेदन का वहां पे पठन करता है, बताता है और उसमें लोगों को संतुष्टि होती है तो उसके आवेदन का निराकरण हुआ। बहुत आवेदन की जो मांग का जो संख्या दिख रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रति सबसे ज्यादा ललक और आवेदन 11 लाख करीब आवेदन। दूसरा उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर के लिए उनका आवेदन काफी बड़ी संख्या में है जिसमें नए डिमांड आए। बाकी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उनके नामांतरण पौती का, बंटवारे नामे का, पंप का सुधार का, नए बिजली कनेक्शन मांगने का, ऐसे अलग अलग विवरण आए जिनका निराकरण अभी हम तीसरे चरण में कर रहे हैं। और एक अच्छी बात जो जिसके बारे में मैं विशेष ध्यान दूंगा, एक लोक सुराज की सबसे महत्वपूर्ण विषय कि विगत वर्ष की तुलना में शिकायतों में 19% कमी आई, मांग बढ़े 6%। ये बहुत सकारात्मक संकेत है लोक सुराज अभियान पिछले और अभी के बीच में और लगातार लोक सुराज में शिकायतों की आने में कमी और मांगों की वृद्धि होना एक सरकार के प्रति उनका विश्वास प्रकट करता है। और ये इस पूरे अभियान में हमने देखने को मिला कि मांग की संख्या में बढ़ी है और इस प्रकार से इन तीनों चरणों में जो हमने लोक सुराज अभियान में जैसे बताया गया कि कुल में 11 मार्च से निकल के 7,179 किलोमीटर यात्रा की, 25 समाधान शिविरों में सम्मिलित हुआ, 7 आकस्मिक निरीक्षण, 45 विधानसभा का दौरा, 27 जिलों की बैठक, 148 घोषणाएं। तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को जो कि लोक सुराज अभियान का लेखा जोखा आज पेश कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। यहां रुक रहे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।